विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। वंशीधर नगर से चुनमुन की रिपोर्ट। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा बकरीद बुधवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष बकरीद के अवसर पर बाजार भी दुकानदारों का मंदा रहा। पूर्व सदर तस्लीम खान ने कहा कि इस बार कोविड-19 का गाइडलाइंस का अनुपालन कर इस पर्व को सादगी के साथ मनाने का आम लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार ईदगाह में कुछ प्रमुख लोग बकरीद की नमाज अदा करेंगे और अन्य लोग अपने अपने घरों में ही बकरीद का नमाज अदा करेंगे। मौलाना एजाज अंजुम ने कहा कि हदीस शरीफ में आया है कि कुर्बानी करने वाला जानवर के हर बाल के बदले में नेकी मिलती है, इसलिए ईद उल अजहा के दिन हर मालदार पर कुर्बानी करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि गरीब या तीनों असहाय लोगों को मदद करें, साथ ही साथ अपने मुल्क भारत को कोरोना महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, इस महामारी से हम सभी धर्म के लोगों को बचाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पहले की अपेक्षा इस वर्ष ईद उल अजहा में वैसा चहल पहल नहीं है, बहुत ही मायूसी के साथ लोग त्योहार को मना रहे हैं। इस वर्ष बकरीद के मौके पर मार्केट में खुशियां नहीं है।